13 जुलाई एंड हम रास्ते में, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू अ प्लेस, आप व्यू देख ही सकते हो एंड मैं आपको पहुंच के दिखाती हूँ। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो आई एम, इट्स लाइक 5:30 इन द मॉर्निंग, हम 4 बजे निकल गए थे एंड वी आर एट दिस प्लेस जहाँ पे हॉट एयर बलून्स होते हैं। आई डोंट नो कि आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, बट दिस इज द प्लेस। आप देख सकते हो कि बलून रेडी हो रहा है एंड हम भी 30-25 लोग इस बलून पे होंगे एंड आई शो यू कि हाउ प्रिटी इट लुक्स एंड एक बार बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को भी। सो गाइज, एज यू कैन सी, हम अपनी राइड, हमारी राइड रेडी हो रही है। सो ये राइड जो है स्पेसिफिकली मॉर्निंग में ही होती है 6 बजे, तो हम 4 बजे, 4:30 बजे निकल गए थे अपनी राइड के लिए एंड ये भी हमारा बलून रेडी हो रहा है, ये अभी फूल रहा है। सो एज यू कैन सी, आसमान में ऑलरेडी कुछ बलून उड़ चुके हैं, हमारा भी रेडी हो रहा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये हमारा बलून रेडी हो गया है। ओह, फायर एंड ऑल, माय गॉड, लुक एट द व्यू, सो प्रिटी गाइस, सो प्रिटी। वो मैंने सोचा जब तक बलून रेडी हो रहा है थोड़ा पोज ही देता हूँ, देख के मुझे खुश हो जाओ। सो टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ नॉलेज, सो जो एवरेज कॉस्ट इस बलून की है, विच इज़ 12,000 to 15,000 पर पर्सन एंड एक बलून में 20 से 25 लोग होते हैं, अभी आपको दिख जाएगा हमारी राइड में। सो बुक कर देना जाने से पहले, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। गाइस, हमने उड़ना स्टार्ट कर दिया है, देखो आप आसमान में, ये हम हॉट एयर बलून के अंदर है। इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है, हाउ ब्यूटिफुल इट इज एंड हियर इट इज आवर सन, वाओ, जस्ट सो ब्यूटिफुल। We have our Indian song playing in the hot air balloon, guys. तो गाइज, कल के व्लॉग में मैंने आपको रोज वाली दिखाई थी एंड आज देखो मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ रोज वाली। यस, वाओ। तो गाइज, ये देखिए हम कितनी पास हैं रोज वाली के। Yes, we are now 750 meters and on the Gurame village. So guys, hum 750 meter above hain and this is like the highest. सो गाइज, इतना ज़्यादा ऊपर आ गए थे हम एंड इट इज़ लाइक अ मैजिकल एक्सपीरियंस, मतलब आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इतना ज़्यादा खूबसूरत था भाई साहब। एंड लाइफ टाइम में ये एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता ही है, पूरा पैसा वसूलता, ऊपर से सारी चीज़ें देखना, सुबह सुबह सनराइज एंड एवरी थिंग वॉज जस्ट सो मैजिकल। मतलब मैं वीडियोज़ में तो आपको शायद ना दिखे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड ये वर्थ इट था, लाइक टोटल पैसा वसूल। टर्की आओ तो ये तो ज़रूर करो ही करो भाई, वरना तो फिर क्या ही नहीं करा तुमने। सो गाइस, अब हम लैंड हो रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तब से ट्राई कर रहे हैं बेचारे लैंड कराने के हमें, लेकिन हम जो है झूलते ही जा रहे हैं, झूलते ही जा रहे हैं। ये देखिए देखिए देखिए, अरे 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 अरे, हो नहीं पा रहा इनसे, उनका साथ फूल गया इनसे, हो नहीं पा रहा। नहीं हो पा रहा इनसे। और हम इस पर आ गए हैं और
मैंने सोचा थोड़ा मैं भी चिल्ला दूं यार, मतलब बंदे ने उड़ाया भाई, आसमान में लेके गया बनता तो ही है इतना। Hi guys, so we are back at our hotel and right now we are having our breakfast. It is 7:30 a.m. in the morning. I'm having orange juice. And we have chicken nuggets. We have a pastry which is filled with apricot. And this is some cheese pastry. इसमें तीन टाइप की चीज़ है और भी बहुत है, लेकिन वही है हमारे मतलब का नहीं है। इंडियंस को तो मतलब अपने मतलब का चाहिए होता है ना, तो हमारे मतलब का ब्रेकफास्ट नहीं है यहाँ, बट ठीक है, गुजारा तो करना पड़ेगा, चाहे वो हम फल से करें या सब्जियों से करें। फल से करें या सब्जियों से करें, कुछ ना कुछ तो खा के करेंगे। ओके, और मैं आपसे खा के बात करती हूँ। सो हाई गाइज, वी आर डन विद आवर ब्रेकफास्ट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर सिटी टूर एंड हेयर इज आवर कार, यू कैन सी दैट इन द वीडियो बिहाइंड मी। एंड एज यू कैन सी कि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ऑल्दो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है, थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बट स्टिल ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट, वी डोंट हैव एनी चॉइस इन दैट। सो हेयर वी गो, हेयर इज आवर कार एंड I'll show you whatever we'll see. So stay tuned. Bye, guys. हम यहाँ पे एक stop पे रुके हैं and we are having our pistachio coffee. Okay, let's take a sip. Coffee different taste. Okay, we are in a cafe right now and I would like to show you the view. So you can have a look at it. How beautiful is that? Oh God! ये कैफे से हमारा व्यू है एंड काफी अच्छा व्यू है। ये देखिए कितने सारे बटरफ्लाइज वगैरह हैं यहाँ पर, अजीब तरीके के कीड़े हैं जो हमें पहाड़ों में मिलते हैं इंडिया में। तो देखिए कैफे का भी व्यू देखिए आप लोग। हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जाएंगे, वहाँ पे मैं फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, हम पिजन वैली पे आ गए हैं एंड इससे पहले हमने एक और स्पॉट कवर करा था, दैट इज हमारा रेड वैली, बट दैट वाज लाइक नॉट मच इंटरेस्टिंग, तो इसलिए मैंने दिखाया नहीं। नाउ हमारा पिजन वैली में वी हैव देयर इज अ ट्री व्हिच इज जिसपे ये नज़र का ईविल आई प्रोटेक्शन का ये बंधा हुआ है सब पे, एंड हमारे पिजन्स जो हैं वो नीचे हैं। आई वुड लाइक टू शो यू। सो हमारे पिजन्स वो रहे एंड ये पिजन बाली है। अब हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे जा रहे हैं। सो गाइस, हम नेक्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं विच इज़ द मॉन्ग्स वैली एंड टर्किश में इसको पाशाबा कहते हैं। एक बेसिकली एक ये म्यूज़ियम है, ओपन एयर म्यूज़ियम, ये इनसाइड म्यूज़ियम नहीं है, मतलब खुली हवा में चलते जाइए और म्यूज़ियम को देखते जाइए, तो मतलब वही वैलीज वगैरह ही हैं जो ये समझाएंगे कि क्या किसका क्या रोल है। आप देखिए ये वैलीज ही, कैपडोशिया में मोस्टली यही है। बाकी सुबह जो हमने हॉट एयर बलून राइड करी थी वो इंटरेस्टिंग थी, तो मैं मेजरली उसी का पार्ट ऑब्वियसली डाल रही हूँ व्लॉग में। ये सब मैं बहुत कम डालूंगी बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइस वोंट इवन लाइक इट मच। सो यस, सो गाइस यहाँ पे इस म्यूजियम में एक ही जगह है, इसे बना रखा है इन्होंने एंड ये नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ से नीचे जाके इनके पुराने रूम्स वगैरह किचन वगैरह स्टार्ट होते हैं एंड मैं भी जा नहीं सकती नीचे बिकॉज मैंने हील्स पहनी है थोड़ी सी। सो लेट्स मूव ऑन। तो गाइज हमारा सिटी टूर कंप्लीट हो गया था, हमने पूरा म्यूज़ियम नहीं देखा बिकॉज यार बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी एंड ओपन एयर म्यूज़ियम था, चलना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा,
तो हमने थोड़ा देखा एंड वापस आ गए. वो हमारा लास्ट स्पॉट ही था. काफ़ी चीज़ें कवर भी नहीं करी हमने बिकॉज भाई नींद इतनी आ रही थी, शाम भी हो गई थी. उसके बाद शाम होने के बाद हम अपना लंच वगैरह करा हमने थोड़ा बहुत एंड फिर हम आ गए यहाँ. यहाँ पे हम थोड़ी कारपेट्स देख रहे थे. हम कारपेट्स देखने के लिए रुके तो यहाँ पे ये पॉट मेकिंग हो रहा था, ये अंकल बना रहे थे जो आपने इंडिया में अभी ऑब्वियसली देखा ही होगा. ये देखने के बाद हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके मार्केट्स हम चले गए अपने वापस होटल. सो गाइज वी आर बैक एट द होटल एंड बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम, बहुत ही ज़्यादा. दो तीन स्पॉट्स और कवर करने थे बट इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी और नींद आ रही थी कि हमने मना कर दिया था और हम खाना लेके सीधा होटल आ गए एंड हम अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे बिकॉज हम सुबह 4:30 बजे के उठे हुए हॉट एयर बलून की वजह से एंड उसके बाद सोए भी नहीं है ढंग से. तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो. एंड कापाडोशिया इज़ लाइक अ वेरी नाइस प्लेस एंड कल का व्लॉग जो होगा वो अंताल्या का होगा बिकॉज वील बी गोइंग टू अंताल्या टुमारो. एंड आई होप यू गाइज लव्ड इट एंड इफ यू गाइज लव्ड इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. कॉमेंट भी कर देना हो सके तो. एंड यार प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार देना बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से और आप लोगों के लिए बना रही हूँ एंड आई होप आप सबको पसंद आए. और कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना एंड आई विल ट्राई टू करेक्ट इट. बाकी छोटे लोगों को प्यार देना बहुत ज़्यादा. बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो.